जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा द्वारा अपनी सरकार बनाने के लिए गठजोड़ की कोशिशें जारी हैं। जम्मू संभाग से 25 सीटें हासिल करने वाली भाजपा अभी भी अन्य दलों के साथ बातचीत के सभी विकल्प खुले होने की बात कह रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने के समय की जरूरत थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रजातांत्रिक रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं उन्होंने भाजपा की गठबंधन सरकार के लिए कोशिशें जारी होने के भी संकेत दिए हैं। राज्यपाल शासन का लगना प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही एक व्यवस्था है, एक विकल्प है। अनेकों बार राज्यपाल शासन लगते हैं, विशेष परिस्थितियों में लगते हैं, इसका संवैधानिक प्रावधान है। यहाँ पर शायद राज्यपाल महोदय को ऐसा उनकी जानकारी में आया कि शायद तत्काल सरकार बनने में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए सिफारिश की गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।